वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आ गए हम एक और अपने फेवरेट सीरीज के साथ और आप लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन स्ट्रीट फूड कंपाइलेशन, यमी स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया। मजा आएगा यार, क्योंकि हम खुद ये चीज देखकर वो दिल में हमारे लड्डू फूट पड़ते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज कौन कौन से स्ट्रीट फूड हमें नजर आने लगे हैं। भाई ये वीडियो देखकर ही पता लगेगा। काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। ये किस टाइप की सैंडविच है? ये तो मैं देख रहा हूँ, चीज कितना है यार, फिर कितना चीज है। कितना चीज है यार, ग्लू के साथ चिपकाई थी जो, इतना चीज बहुत ज्यादा यार। ये क्या है भाई? पाव भाजी? नहीं, कुछ और है, कुछ और है। प्याज कैसे डाल रहे हैं यार वो? अब ये क्या है? ये मोमोज है भाई, ये रेडी मोमो है। हाँ, ये स्टीम होते हैं ना। हाँ, इनको स्टीम किया जाता है। ओहो, चीज है भाई, मजा आ गया। ये सीन देखो भाई, मोमोज। अब ये बंदा उठा के और मुंह में, और ये परांठा है और साथ में वो है भाई राजमा के साथ वो मक्खन लगा हुआ था भाई ऊपर। हाँ, देखा है आपने? ओए ये मजे देता यार, कितना बड़ा होने वाला यार, इतनी बड़ी बाइट लेता है भाई। ऊपर प्याज यार, प्याज से जायका, प्याज यार वाकई बहुत ज्यादा खाते हैं, इधर भी बहुत खाते हैं लेकिन इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही। ये देखो भाई रोल, अरे उसको तो वो कर दिया। और ये बड़े मजे की डिश है भाई, और ये बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा था ना, ये तो पनीर टिक्का है ना। हाँ, पनीर टिक्का है। और मजे की बात, इंडिया में वेज की बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। ये क्या है? मार्गरीटा। ये सीख कबाब है। अब भाई इसको मिक्स करेंगे यार, ये वाला मेरा फेवरेट सीन होता है। जब इसको मिक्स करते हैं ना, ऊपर क्रीम डालते हैं, मसाले डालते हैं, और जब मिक्स होता है तो क्या यार चीज, क्या चीज। और क्रीम डाली और चटनी, ये अब मिक्स होगा यार। ये वाला चीज बहुत जबरदस्त है यार, मिक्स करने का तरीका इंडिया में बहुत मस्त है यार। ये रेडी हो गया, ये देखो भाई, हाय 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 हाय। अब ये क्या है? ये था क्या? ये है क्या? नूडल्स हैं मेरे ख्याल से, लेकिन नूडल्स में प्याज वो सब कुछ रस। ओ, वो बिल्कुल एक ब्लैक रसगुल्ला है भाई। ये इतना ब्लैक क्यों है? ये भाई साथ शीरा डाल के दिया। ये क्या है? ये क्या है? लस्सी है क्या? नहीं, लस्सी है, पता नहीं क्या है यार। लस्सी, लस्सी में हो सकती है कोई। हाँ, मिल्क शेक में हो सकता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई, वाओ। आम काटने का स्टाइल देख, स्टाइल मस्त था सच में। ये भाई यार, कुलचे छोले बहुत फेमस है इंडिया में यार, और बनाए हुए किस तरह, और होते भी बहुत यमी है भाई। अपने मर्जी का मसाला डलवाओ। ये तो भाई वो है यार, नहीं यार ये तो पानी पानी बोरी है भाई, कुलचे छोले यार, पानी मुंह में बार बार आ रहा है। बैंगन है? बैंगन है, बैंगन है। हाँ बैंगन है, कच्चा है ये तो भाई, बैंगन ही है भाई। हाँ हाँ बैंगन है, बैंगन है क्या है? और नहीं यार, यार बैंगन कुछ कुछ और है भाई, ये कुछ और है। बैंगन कच्चा थोड़ी खाते हैं। मैं देखो बैंगन की तरह लग रहे हैं, कितने प्यारे बने हुए हैं भाई। वो छोड़, ये मोमोज है, डंपलिंग्स है, डंपलिंग्स मोमो डंपलिंग्स एक। मैं उस पे हैरान हूँ यार, मतलब वो क्या था? वो पता नहीं भाई, कोई शायद फ्रूट हो, में भी कुछ हो सकता है, मतलब अजीब। मैंने पहली दफा, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा। ये क्या है? नींबू, नींबू निचोड़ा भाई। ये उसको मिक्स किया यार, इस तरह के कप में वो चाय भी देते हैं यार, क्या कमाल की बनी होती है यार। ये चेक करो भाई, ओ भाई ना कर भाई, ऐसे ना खा ना ना।
ऐसे मत खाया करो यार। मैं सीरियसली नॉन वेजिटेरियन बंदा हूँ और मुझे वेज के खाना भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा वेज मिले ना मैं नॉन वेज छोड़ दूँ। सीरियसली ऐसा वेज मुझे मिले मैं नॉन वेज छोड़ दूँ। सीरियसली बहुत कमाल का बना है। हाँ। सच बताऊँ मुझे ऐसा वेज दो ना अगर मैं सीरियसली नहीं छोड़ दूंगा। ऐसे वेज की वैरायटी है, मतलब पाकिस्तान में नॉन वेज आपको ऐसा मिलेगा कि आप हैरान हो जाओगे, लेकिन वेज की ऐसी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जो इंडिया में मिलती है। ये क्या है भाई, चिकन है? नहीं ये वो पनीर लग रहा है। हाँ पनीर है, मेरी अंदर से वाइट है। मुंह साफ कर रहा है। ओ भाई साहब। मुंह साफ कर यार भाई, ऐसी चीज है कि तो और क्या करूंगा। मोमो वाला पिज्जा वो ऊपर और चीज, मैं पहली दफा इस तरह के देख रहा हूँ। मेयोनीज, ओ तेरी है रो, ये कितना डालेंगे, ये निकल जाएगा तब माहौल बनेगा। ओए होए होए यार, और क्या चाहिए दुनिया में, डोसे की अभी वो स्टाइल बनेगा। नहीं डोसा नहीं है ये, क्या है बे, ये क्या है, क्या था, अलग ही चीज है, डोसे की बिरादरी का कुछ लग रहा है। हाँ भाई सच में यार। वाह, दरमियान में वो चटनी आ भाई, ये सॉस जो भी थी, ये डाली ऊपर चटनी, ये चार राइस है ऊपर, ऊपर राजमा आएगा, लिख के ले लो या छोले आएंगे। हाँ राजमा, देखो मुझे पता था राजमा चावल इंडिया की बहुत फेमस चीज है। ओ यार ये कुलचे मुझे बहुत सॉफ्ट लगते हैं भाई, ये कैसे बनाते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट कुलचे होते हैं। प्याज डाला है? हाँ प्याज डाला है भाई, ये अभी कुलचों के साथ प्याज देंगे ना भाई, ये बहुत सॉफ्ट इंडिया में कुलचे बनते हैं यार, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते। ये देखा प्याज ऊपर डाल के दिया, बंदा इंजॉय करे। इसी के साथ यार वीडियो करते हुए यार मुंह में सीरियसली पानी आ गया और भूख यार। वैसे मैं एक बात बताऊं, जितना मैंने नोट किया ना यार, इधर जो भी दे रहे थे ना उसके साथ प्याज लाजमी था यार, मतलब पाकिस्तान में भी खाते हैं लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा भाई, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी देते हैं। गाइज मैं आपको आज एक बात बोलना चाहूंगा, अगर ऐसा नॉनवेज मुझे, सॉरी वेज मिले ना मुझे, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, क्योंकि इतना वैरायटीज है इधर यार, इधर ज्यादातर लोग नॉनवेज खाता है तो वो इतनी वैरायटीज का वेज, वेज भी है, मैं नहीं कहता घरों में भी बनता है अच्छा खासा बनता है, लेकिन जो इंडिया की वैरायटी है ना, जो टेम्पटिंग होता है यार, मतलब देख यार मैं सच में बताऊं ना, ये इंडिया का वेज देख कर ना अब तो नॉन वेज खाने का दिल ही नहीं करता, सच में नहीं करता यार। मैं अक्सर घर में भी एक्सपेरिमेंट मम्मी से कराता रहता हूँ, लेकिन वो टेस्ट ही आता ना, लेकिन होता मजे के बनता है। इंडियन डिशेस मैं इंटरनेट पर देख के बनवाता हूँ, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता जो इंडिया का होगा, लेकिन अच्छे बनते हैं यार, मतलब अच्छा मतलब ये है कि ये वीडियो देख कर ना इनमें से जो हमें सबसे बेस्ट लगेगी ना वो हम मम्मी को बोलेंगे इस तरह के बना कर दो। सीरियसली बस अब देखो उस वीडियो में फिर हम मुख्तलिफ वीडियोज निकालेंगे, फिर तरीका ढूंढेंगे उस तरीके से, मतलब बनता है मम्मी बनाती बहुत प्यारा है, लेकिन मतलब उस तरीके से नहीं बन सकता यार। और इंडियन स्ट्रीट फूड के हम सीरियसली दीवाने हैं वाकई में, हमारा पास चले ना रोज का है। और यार वो हम जिसको बैंगन सा बोल रहे थे वो क्या था, वो बैंगन था, वो कुछ फ्रूट लग रहा था, पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या था, मैंने खुद साथ में पहली दफा देखा। तो गाइस आप बताएं आपने कौन कौन सी इसमें डिशेस ट्राई की हुई है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।